दर्शकों, आज सड़कों पर प्रदर्शन ही प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ जीवल चौक में, जहाँ पर क्लस्टर यूनिवर्सिटी के मुद्दे को लेकर जो है इस वक्त ABVP संगठन जो है वो सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रहा है। और उनकी मांग यही है कि एडमिशन्स जो है दी जाए, स्टूडेंट्स जो है एडमिशन्स के लिए दर बदर हो रहा है और उन्हें एडमिशन्स जो है वो दी जाए। आप देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरों में कि किस तरह से पुलिस और स्टूडेंट्स के बीच में झड़प जो है वो जारी है। इस वक्त मेरे साथ ABVP की छात्राएं हैं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रियंका कोल है। तो ये बताइए क्या कारण आपका विरोध प्रदर्शन का? विरोध प्रदर्शन का यही कारण है कि ये हमें एडमिशन नहीं दे जा रहे हैं। पहले दिन में हम ये कस्टर यूनिवर्सिटी गए थे प्रदर्शन लेके, उन्होंने हमारा मेमोरेंडम एक्सेप्ट किया था। उसके बाद हमें उन्होंने 2 दिन का वक्त दिया था कि हम आप 2 दिन में बताएंगे, बट उन्होंने 2 दिन में कोई फैसला नहीं निकाला। फिर 2 दिन के बाद उन्होंने सेक्रेटरी के बाद आपने देखा होगा कि कैसे प्रदर्शन किया। उसके बाद उन्होंने बड़ी लाठियाँ चार्ज की बच्चों पर, और आप देख सकते हैं कि देखिए कैसे ये गुंडागर्दी चल रही है यहाँ पे। बच्चों को मारा जा रहा है जबकि इनको कोई राइट नहीं है बच्चों पे हाल डालने। ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी? जब तक बच्चों का एडमिशन नहीं रहेंगे तब तक हम इससे भी कड़ा विरोध करेंगे कि ये लड़ाई आगे भी जारी रहे। जो विद्यार्थी इनकी परसेंटेजेस की बात करते हैं, कितनी कितनी परसेंटेज? 80% से ऊपर है। हमने ये विरोध है कि हम यही चाहते हैं कि विद्यार्थी का एडमिशन मिले। और हमारा जो ये अगर बच्चों से हमारा भविष्य बोलते हैं, बच्चों से भविष्य, अगर बच्चों का एडमिशन नहीं मिलेगा तो फिर हम क्या करेंगे? अखिल भारतीय, ये बताइए कि जो आप भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं इसका क्या मतलब था? देखिए, जिस प्रकार से भैंस के आगे बीन बजाना एक मुहावरा है, इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर का प्रशासन, हमारे जो इलेक्टेड MPs हैं, हमारा यहाँ का प्रशासन है, यहाँ क्लस्टर यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं, जो हायर एजुकेशन की अथॉरिटी है, वही काम क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर। जिस प्रकार स्टूडेंट को एडमिशन नहीं मिल रहा है, स्टूडेंट 80% लेने के बावजूद भी वहाँ एडमिशन नहीं मिल रहा है, उसी प्रकार एक सांकेतिक तौर पर आज विद्यार्थी परिषद द्वारा ये प्रदर्शन रखा गया है कि जिस प्रकार से भैंस के आगे बीन बजाना बराबर है, उसी प्रकार UT प्रशासन के लोगों के आगे, हमारे यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव लोगों के आगे, हमारे यहाँ के इलेक्टेड लोगों के आगे, हम जो अपनी बात रखना चाह रहे हैं उनके आगे भी उसी प्रकार के भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर जैसा है। जी हाँ दर्शकों, जिस तरह से प्रशासन के कानों में आवाज़ नहीं पहुंच रही है, उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है, आप देख रहे हैं कि विद्यार्थी संगठन जो है पिछले कई दिनों से जो है विरोध प्रदर्शन कर रहा है। जगह जगह जो है विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उनकी मांग ये है कि क्लस्टर यूनिवर्सिटीज़ के अधीन आने वाले कॉलेजेस में जम्मू के विद्यार्थियों को एडमिशन दी जाए। आज विद्यार्थियों ने जो प्रदर्शन किया उसमें उन्होंने भैंस के आगे बीन बजा कर ये प्रूफ कर दिया है कि प्रशासन के कानों में भी आवाज़ उनकी नहीं पहुँच रही है। नमस्कार दर्शकों, मैं रितेश गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जी हां दर्शकों, स्टूडेंट्स की बात करें, स्टूडेंट्स जो है आज भी विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी उन्होंने सड़क जो है जाम रखी है, जिससे आने जाने वालों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। स्टूडेंट्स की मुख्य मांगे यही है कि उनको क्लस्टर यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन दी जाए। एडमिशन ना मिल पाने के कारण जो है पिछले कई दिनों से जो है स्टूडेंट वर्ग जो है सड़कों पर है। सिविल सेक्रेटरी का घेराव करने की कोशिश भी की जा रही है। और इसके अलावा दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो है प्रदर्शन जारी है और सड़कों पर भी जो है आपको प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आइए जाने का प्रयास करते हैं कि हमारा स्टूडेंट वर्ग क्या कहना चाहता है। इस वक्त मेरे साथ कुछ विद्यार्थी आए जाने का प्रयास करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राघव खजूरिया। राघव जी, ये बताइए क्या मुख्य कारण है आपका प्रदर्शन करने का? हमारा वही इम्तियाज, वही डिस्क्रिमिनेशन जो हमारे बच्चों के साथ, हमारे लोगों के साथ हमेशा से आ रही है। दाएं बाएं से एडमिशनें हो रही हैं, बच्चों के 90% आए हैं, 85% आए हैं बच्चों के, उनको एडमिशन नहीं मिल रही है। पूछना चाहते क्या कारण है एडमिशन नहीं दे रहे उन बच्चों को, हमारे बच्चों ने यहाँ, अब हम सेक्रेटरेट जा रहे हैं घेराव करने सेक्रेटरेट का, यहीं से यहाँ के लोगों को हम अपना हक दिला के रहेंगे? तकलीफ क्या है इन लोगों को एडमिशन देने के? हमारे बच्चों को, हम लोगों अपना हक ही मांग रहे हैं, पढ़ना कोई गुनाह थोड़ी कर रहे हैं लोग। एक चीज़ और बताइए, जिस तरह से आपने सड़क जाम किए, इसे आम जनता को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम पूरा देख, आप देख सकते हैं कि पूरा तरीके से जाम निकाल रहे हैं। जो कोई एम्बुलेंस आती है, सही तरीके से हम पूरे जम्मू के देशभक्त नागरिक हैं, पूरे सही तरीके से कोई एम्बुलेंस आती है उसको पहले आगे निकालते हैं, लेकिन
जब कोई ब्यूरोक्रेट कोई लाला निकलता है उसको हम बिल्कुल आगे जाने के लिए नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हीं लोगों की दलाली की वजह से आज हमारे बच्चों की यह हालत हो रही है, हमारे यूथ की यह हालत हो रही है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सर ये बताइए विरोध प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? सर ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। हमने बीजेपी को वोट इसलिए दी थे कि हमारे जम्मू के जो यूथ है वो आगे ही बेरोजगार थे, इन्होंने कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ यही बोलते हैं कि हम करेंगे करेंगे, कब करेंगे। लेकिन ये कोई नुमाइंदा कोई रिप्रेजेंटेटिव आपसे मिलने आया? सर कोई नहीं आया, जम्मू वालों की कोई सुनवाई नहीं है। श्रीनगर में देख लो आप, सेंट्रल मिलिटेंटों को जॉब्स दे रहे हैं, जम्मू में यूथ क्या करेगा? पत्थर उड़ाए। सरकार क्या चाहती है कि जम्मू की यूथ क्या बने? जी हाँ दर्शकों, अगर अब विद्यार्थी वर्ग की बात करें वो काफ़ी दिनों से सड़कों पर है, पर दुर्भाग्य है कोई भी नुमाइंदा इनसे मिलने नहीं आया। हालांकि जब एबीवीपी का प्रदर्शन था, एबीवीपी के संगठन यहाँ पर सड़कों पर थे, तो एडिशनल डीसी साहब यहाँ पर आए थे, लेकिन उनका भी आंसर जो था वो इन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाया। इसी का नतीजा है कि आज भी स्टूडेंट वर्ग जो है सड़कों पर हमें विरोध प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा जी, क्या वजह है विरोध प्रदर्शन की? सर आपको पता हमारे एक महीना हो गया प्रोटेस्ट करते हुए, हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। हमने चार बार गिरफ्त किया, यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हमें मिलता दो घंटे बाद, वो भी वो कहता हमारे पास भाई जगह ही नहीं है बैठाने की। हम कहते हैं ग्राउंड में बैठाओ, बच्चे तैयार है पढ़ने के लिए, आप पढ़ाने के लिए तो तैयार हो। हमारी सिर्फ एक ही मांग है बच्चों को एडमिशन मिली जाए, वरना हम चुप नहीं बैठेंगे। गवर्नर साहब को सिर्फ कश्मीर के बच्चों का दिखता, जम्मू के बच्चे वो देखते नहीं है। आईपीएल खिलाना कश्मीर चल जाओ, जॉब भी देनी है कश्मीर चल जाओ। हमारी एक लिस्ट तैयार हुई, AK-47 का इतना रेट मिलेगा, बम का इतना रेट मिलेगा, पिस्टल का इतना रेट मिलेगा, उनकी पेंशनें लगाई गई हैं। क्या हम सिर्फ हमारी सिर्फ एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमें एडमिशन मिल जाए। हर बच्चे का अधिकार होता है पढ़ने का, ये हमसे अधिकार क्यों छीन रहे हैं? कहाँ जाए 50% वाले, कहाँ जाए 60 वाले, कहाँ जाए 70 वाले, कहाँ जाए 80 वाले? जना आपने पास रखना तो 90 वाले ही पास रखो ना, उनको एडमिशन दो, क्यों रखते हो इतने बच्चे पास? अब मास प्रमोशन दी गई, अब वो उन बच्चों का भी साल वेस्ट होगा। क्या वो रेडियां लगाए यहाँ पे आके? जम्मू के बच्चे सिर्फ रेडियां लगाने के लिए बैठे हुए हैं क्या? जम्मू के बच्चों का अधिकार नहीं है पढ़ने का? हम साफ तौर पर ये कह देना चाहते हैं, अगर हर एक बच्चों को एडमिशन नहीं मिली तो हम आने वाले समय में चुप बैठने वाले नहीं है। इसका कड़र विरोध गवर्नर को दिखने के लिए मिलेगा और इसका सारा आरोप गवर्नर को जाएगा। अब हम बताएंगे जम्मू के युवाओं में कितनी शक्ति है। दर्शकों पिछले कई दिनों से जो है क्लस्टर यूनिवर्सिटी का मामला जो है थमने का नाम नहीं ले रहा, विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। और जिस तरह से आपने देखा कि आज भी विद्यार्थी संगठन जो है सड़कों पर है अपनी मुख्य मांग लेकर, उनकी मुख्य मांग यही है कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन दी जाए। जी हाँ, क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अधीन जितने भी कॉलेजेस आते हैं उनमें जम्मू के विद्यार्थियों को जो है एडमिशन दी जाए। ट्वेल्थ पास करने के बाद जो है विद्यार्थी संगठन जो है, विद्यार्थी वर्ग जो है परेशानी में है, इनको एडमिशन्स नहीं मिल रही है, इसलिए वो दर बदर की ठोकरें खा रहा है, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। हमारी LG साहब से यही अपील है कि इस मामले को गंभीरता से लें और बच्चों के भविष्य को खराब होने से बचाएँ। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। नमस्कार।